फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे अपन ऑफ कंपनी। अब देखो, इसके पहले तक आप लोग भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और क्या बनाते थे आप लोग? बैलेंस शीट बनाते थे। वो किसके अकॉर्डिंग होता था? वो कंपनी अधिनियम, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है? कंपनीज एक्ट 2013। तो हमको अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाना है। तो देखो, मैंने आपको एक स्पेसिमेन भेजा है, ओपन करके देखो स्पेसिमेन बैलेंस शीट का। दिखा फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट? बताओ, नहीं मिला क्या? पहले हम बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा, देखो ऐसे कुछ बनाते थे अपन, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते थे अपन। लाइबिलिटीज ऐसे, एसेट्स ऐसी, है ना, ऐसे ये ऐसे बनाते थे अपन, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। लेकिन अब कंपनीज एक 2013 में हम कौन से फॉर्म में बनाएंगे? एक तो वर्टिकल फॉर्म में, प्लस इसको पार्ट वन बोलते हैं। पार्ट वन बोलेगा एग्जाम में, अगर कभी आपको क्वेश्चन में दिया एक्सप्लेन द प्रोफॉर्मा ऑफ, समझ में आ रहा है, प्रारूप बनाने बोलेगा उससे से। प्रोफॉर्मा मीन्स प्रारूप। एक्सप्लेन द प्रोफॉर्मा ऑफ पार्ट वन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, एग्जाम में ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो फाइनल अकाउंट्स मतलब कंपनी के अंतिम लेखे का क्या बनाने बोल रहा है? पार्ट वन का प्रारूप। तो वो क्या बनाने बोल रहा है आपको? मतलब बैलेंस शीट बनाने बोल रहे हैं, सिंपल। और अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें प्रोफॉर्मा ज्यादा पूछता है, किसका? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये चीज याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखो, ये मैं आपको क्वेश्चंस के पैटर्न बता रही हूँ साथ साथ में। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज देखो, अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी? वर्टिकल फॉर्म में। इट मींस ये, अब लाइबिलिटीज के साथ एक वर्ड और ऐड करते हैं अपन, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और सेकेंड में हम क्या बनाएंगे? एसेट्स, जो भी टोटल होगा इन दोनों का लास्ट में आएगा। नोट बनाते हैं अपन। नोट मतलब वर्किंग नोट अलग से बनती है, याद रखना। तो इसके लिए एक कॉलम भी बनता है, जैसे ऊपर लिखा मैंने पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे आएगा नोट, है ना। तो नोट नंबर मतलब जो वर्किंग नोट बन रही है। फिर यहाँ पे फिगर्स एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, ये एक साल का मतलब इस साल का। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? पिछले साल का, वो भी दिया रहेगा क्वेश्चन पे, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ये क्यों लिखते हैं? ताकि जो फर्म है वो एनालाइज कर सके कि कितना प्रॉफिट हुआ है उसको पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन। तो ये ऐसे बनता है प्रोफॉर्मा। अब आप लोग याद रखना, जो भी चैप्टर्स बनाएंगे, जितने भी हम चैप्टर बनाएंगे, आप बैलेंस शीट हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, चाहे एग्जाम में दिया हो या नहीं दिया हो। पुरानी से बनाएं कि नई से बनाएं, मेरे को नहीं पता। आप लोग न्यू से ही बनाएंगे, क्या पता आपके पास बुक पुरानी एडिशन की हो, है ना। तो इसलिए ये मैं बता रही हूँ, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। इसको बोलते हैं पार्ट वन। क्लियर है? कोई डाउट है सबको इसमें तो पूछो। पूछ लो, कोई डाउट है तो। नो मैम, ये ना बैलेंस शीट में, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम वही है, लेकिन अब उसको ना हम अकाउंट फॉर्म में नहीं बनाकर स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे। देखो अपने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया मैंने, अब जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
है ना, इसको क्या बोलते हैं, पार्ट टू बोलते हैं। दूसरी चीज अब देखो, इसमें भी स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा। पहले तो देखो ऐसे बनाते थे आप लोग, करते थे कि नहीं इस टाइप से, यहां तक ट्रेडिंग का लिखते थे, फिर यहां से जो ग्रॉस प्रॉफिट बचता था उसको यहाँ लिख के आते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, फिर यहाँ पे उसके डिटेल्स करके जो प्रॉफिट बचता था उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे। ऐसे करते थे ना अपन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। यस मैम। लेकिन अब क्या होगा, देखो पर्टिकुलर आएगा। देखो डरना मत, आप लोगों ने ना कहीं कहीं से सुना होगा ना बहुत टफ है, ये है वो है, अगर मेरी मानो तो बिल्कुल टफ नहीं है, बल्कि और इजी हो गया, उससे ज्यादा इजी हो गया है सब कुछ। बट प्रॉब्लम ये है कि दूसरों की बातों पे मत आना कि टफ है, आएगा नहीं, हमसे बनेगा नहीं तो हम छोड़ देंगे एग्जाम में, इस टाइप की नॉनसेंस मत करना। बस मेरे बोलने का मतलब ये है, जितना बनेगा उतना हम ट्राई करेंगे इसमें, और बनता ही है, ये देखो बहुत सिंपल वे में बनता है। जैसे कि इसमें देखो ये जैसे पर्टिकुलर बना, इसमें भी नोट बनेगा। नोट का मतलब बेटा वर्किंग नोट से, आप वर्किंग नोट बनाते जाना। जैसे आपने वर्किंग नोट बनाई है ना, तो फर्स्ट में आपने जो बनाई तो यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकंड देते जाएंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखेंगे फिगर्स सेम वही एट द एंड ऑफ, करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, और लिखना है इसमें फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चार कॉलम हैं। नेक्स्ट इसमें देखो, जैसे आपका इसमें फर्स्ट दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये देखो ये रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स होता है, लिख लो अपने साथ कॉपी में, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैडम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिया है तो क्या रेवेन्यू, सेल्स। देखो एक प्रोफॉर्मा यहाँ पे हम पुराना वाला बना के चल रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा। जैसे सपोज, समझ में आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? यस मैम। देखो सपोज एक चीज बताती हूँ मैं यहाँ पे, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना आप लोग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो पहले यहां क्या लिखते थे बाय सेल्स, तो ये वही सेल्स है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड क्या दिया है इसमें, अदर इनकम दिया है, तो और कोई एक्स्ट्रा इनकम होगी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, दुनिया भर का जो भी जितना भी, जैसे अपन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर जितना भी इनकम आता था, इनकम का जो भी पॉइंट होता था, जो भी हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है या हमको कुछ रिसीव्ड हो रहा है फर्म को, जो भी इनकम का पार्ट होगा ये क्रेडिट साइड का, ये पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा अदर इनकम में, इसका टोटल हो जाएगा। फिर ये इसको थर्ड लिखा है ना, टोटल रिवेन्यू करके लिखा होगा फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये फर्स्ट था ये सेकंड था, इनका टोटल करके लिख दिया। फिर फोर्थ में हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस, जो भी अब एक्सपेंसेस होंगे ना बुक में, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें एक चीज की, कि टू परचेज लिखें, टू रॉ मटेरियल लिखें, टू वेजेस लिखें, टू सैलरीज लिखें, या इसमें क्या बैड डेट्स लिखें, ऐसे नहीं। अब देखो एक्सपेंसेस की लिस्ट दी है, किसको किस में डालना है वो भी बता दिया है, तो कोई टेंशन का काम नहीं। जैसे सपोज फर्स्ट करके दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बस प्रोफॉर्मा याद करना है अपने को, तो हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल का अमाउंट लिख देंगे। फिर क्या लिखा है परचेज का, तो जो जो परचेज होगा उसका अमाउंट लिखेंगे। फिर देखो क्या लिखा है, चेंज इन इन्वेंट्रीज लिखा है, मतलब अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है या स्टॉक इन ट्रेड है
तो वो लिखेंगे. फिर देखो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉई को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वेजेस, फिर सैलरीज, तो वो लिखेंगे. फिर क्या लिखा है देखो, फाइनेंस कॉस्ट, तो जो भी फाइनेंस से रिगार्डिंग होगा वो लिखेंगे. फिर नेक्स्ट क्या दिया है देखो, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे. और उसके बाद जो दुनिया भर के एक्सपेंस बच जाए वो आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस में. फिर देखो क्या किया उसके लास्ट में, टोटल एक्सपेंसेस, तो जब हम इसमें टोटल एक्सपेंसेस करेंगे, ठीक है, तो ये मतलब ये जो पूरा है ये वाला, इसका हम टोटल कर देंगे. तो यहां पे देखो इनका टोटल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस. तो ये जो टोटल एक्सपेंसेस आएगा, फिर इसको ये वाले में से और ये वाले में से क्या कर देंगे, माइनस. तो थ्री को फोर में से क्या कर देंगे अपन, ये हो गया अपना, ये देखो थर्ड टोटल रेवेन्यू, फोर्थ था एक्सपेंस, तो थर्ड माइनस फोर्थ, ऐसे देखो लिखा है प्रोफॉर्मा में, ध्यान से देखोगे फिफ्थ पॉइंट करके प्रॉफिट, तो वो आ जाएगा अपना. तो देखो इसके बाद के कुछ कुछ आइटम्स हैं, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये सब होता नहीं है, आपके काम का नहीं है. फिर करंट टैक्स दिया है, डिफर टैक्स दिया है, ये भी कुछ काम का नहीं है आपके, उसमें रहेगा ही नहीं. फिर पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग एक्सप्रेशन, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा आपका. डायरेक्ट कौन से पॉइंट पे आके पहुंचेंगे पता है आप लोग, आप उसमें अगर देखेंगे तो डायरेक्ट 15th पॉइंट पे आएंगे आप, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पीरियड. मतलब बिल्कुल ना एडजस्टमेंट्स का टेंशन है ना कुछ, जो भी है सब ऐड करते जाओ उसमें, एडजस्टमेंट्स बनाओ, ये बनाओ, दुनिया भर का प्रॉब्लम, इसमें कुछ भी नहीं होगा, बस कट टू कट बनाते चलना. आ रहा है समझ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? देखो एक एग्जाम्पल फाइव है ये आपके बुक का, मैंने भेजा है अभी, है ना, आप लोग नोट कर लो कहीं पे अगर नहीं है तो. मनु लिमिटेड के लेखापाल में निम्न प्रकार व्यापारिक लाभ निकाला, देखो उसके अपूर्ण ज्ञान अथवा किसी अन्य कारणवश उसने उसके द्वारा बनाए गए व्यापारिक एवं लाभहानि खाते में कुछ अशुद्धियां उत्पन्न हो गई. आप इस कंपनी का कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार सही लाभ हानि विवरण बनाए, ठीक है. तो आपको क्या बनाना है, करेक्ट बैलेंस शीट बनानी है, किसके अकॉर्डिंग बनानी है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग. तो देखो ये पुरानी दी हुई है, इसमें क्या दिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है. अब हमको इसमें से ही डेटा निकालनी है, ठीक, और इसमें से ही हमको क्या करना है, अपनी एक वो बनानी है, क्या बनानी है, प्रॉफिट एंड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो देखो इस पे लिख रही हूं मैं, सपोज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो कुछ वर्किंग नोट्स के पार्ट करते हैं अपन. फर्स्ट पॉइंट उसमें देखो, मैंने आपको प्रोफॉर्मा में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो मैंने क्या बताया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लिखना है हमको, सेल्स वाला. तो देखो टोटल सेल्स कितना दिया है, देखो जल्दी से. अच्छा इसका हिंदी भी बताते चलूं क्या मैं आप लोगों को, देखो परिचालन से आशय. अब देखो इसका मतलब है सेल्स लिखना है हमको, तो देखो उसमें बिक्री कितने का दिया है, देखो सेल्स उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स देखो 171,000 का दिया है बिक्री, 1,00,000, हाँ है ना. फिर उसके बाद उसमें क्या माइनस किया है उसने, सेल्स रिटर्न माइनस किया है, कितने का किया है देखो,
850 850। तो देखो इसको एनालाइज करो, रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है, और रिटर्न आउटवर्ड इधर भी दिया है दो जगह, ये देखो एक परचेज के टाइम पे भी तो देखो माइनस की है ना, रिटर्न इनवर्ड्स आंतरिक वापसी 700 रुपए की, नहीं दिखा क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर करूं क्या मैं? नहीं नहीं मिल गया मैम। देखो रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न लिख लो, कहीं पे नहीं पता होगा आप लोगों को, और रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं अपन परचेज रिटर्न, ठीक। और हिंदी में क्या हो जाता है इसका, वही देखो वापसी, और इसमें क्या आ जाता है ये आंतरिक वापसी। आया समझ में? यस मैम। ये वो क्वेश्चन में दिया ना कि उसने गलत बनाई है तो हमको उसको ठीक करनी है। तो देखो सेल्स में क्या माइनस करते हैं अपन हमेशा, सेल्स रिटर्न करते हैं ना कि परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, बताओ सेल्स में हमेशा सेल्स रिटर्न माइनस होता है। तो चलो इसको नोट करो कहीं पे, इस फर्स्ट को नोट किया सबने? यस मैम। ठीक है अब सेकंड वर्किंग नोट देखो। हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। कोई डाउट है? अब सेकंड लिखो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सिर्फ वर्किंग नोट बता रही हूँ मैं आज, वर्किंग नोट करते चलो, बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ, करते चलो बस। अब देखो उसमें ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, फिर क्या ऐड करते हैं अपन उसमें परचेज, फिर क्या करते हैं ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज के बाद फिर माइनस करते हैं ना परचेज रिटर्न होता है कुछ, तो फिर परचेज रिटर्न के बाद क्या माइनस करते हैं, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा वो, फिर ट्रेड डिस्काउंट के बाद उसमें ऐड कर देते हैं अपन क्या, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, परचेज एक्सपेंसेस, फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है बुक, देखते जाओ बुक में, ये फॉर्मूला लिख के रखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये काम आएगा लास्ट तक काम आएगा, ये फॉर्मूला लिखो ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है, 4000 का दिया है देखो, ठीक है। फिर देखो परचेज कितना दिया है, देखो ये वाले क्वेश्चन में हमको करेक्ट करना है इसलिए आपको थोड़ा हॉचपॉच रहेगा, दूसरे क्वेश्चन में तो कट टू कट डेटा दी रहेगी तो हमको डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में पुट करना है। परचेज करो कितना है देखो, परचेज देखो 134950 दिया है जैसे, ठीक है। फिर परचेज रिटर्न मैंने बताया है, परचेज रिटर्न किसको बोलते हैं, बाहर वापसी, रिटर्न आउटवर्ड। तो देखो कितना दिया है वो, 850 दिया है, वो दिया है कि नहीं दिया। फिर ट्रेड डिस्काउंट देखो कितना दिया है आपको, जल्दी से देखो ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में 3000 दिया है, नीचे देखो राइट साइड में कहीं देखोगे तो दिखेगा,
बाय ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज दिखा 3000। फिर कैरेज इनवर्ट दिया है आप लोगों को, कितने का दिया है देखो कैरेज इनवर्ट 1000 का, राइट साइड में दिया है सब कुछ क्वेश्चन में। फिर इंपोर्ट ड्यूटी दी हुई है आप लोगों को कितने की, 2000 की। फिर परचेज एक्सपेंसेस दिए हुए हैं देखो कितने के, 6000 के, सब क्वेश्चन में दिया है कट टू कट। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया है आप लोगों को, कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक देखो 4000 का दिया है, क्रय वाले का क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको कितने, एक सेकेंड, हाँ ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 12150। ये देखो बोलने का मतलब है कि ये फॉर्मूला याद करना है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज, परचेज में माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, फिर क्या माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसमें क्या ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, परचेज एक्सपेंस ऐड करते हैं, और लास्ट में क्या माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला लिखा आप लोगों ने वर्किंग नोट का? यस मैम। ठीक है, ये वर्किंग नोट वन का फॉर्मूला है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। फिर सेकंड ये फॉर्मूला ये याद रखेंगे, ये आपको लास्ट पांचों यूनिट तक काम आने वाला है ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। टोटल करो 4000 प्लस 134950 कितना आएगा, 138950। फिर ये इसमें माइनस करो ये दोनों 3850, तो कितना आएगा 135100। फिर ये देखो ये तीनों को प्लस करेंगे इसमें कितना हो जाएगा ये 9000, तो ये हो जाएगा अपना 144100। फिर ये क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर देंगे तो एट द एंड आएगा अपना 131950। कृष्णा समझ में आया, उषा रिया साक्षी? यस मैम। कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। यस मैम। ये फॉर्मूला है बेटा, ये याद करना है, ये तो मैं इस क्वेश्चन के बहाने आपको बता रही हूँ, अदरवाइज ये सारे वर्किंग नोट आपको नोट करनी है। फर्स्ट आपको सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नोट करना है, और ये नोट कर लेना ना रिटर्न इनवर्ड माइनस मतलब सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, और ये फॉर्मूला रॉ मटेरियल कंज्यूम का, ये सारी चीजें एड वगैरह होंगी। अब थर्ड फॉर्मूला लिखो आप लोग, रफ करूं मैं इसको, yes, ma'am. फिर आपके उस फॉर्मूले में देखो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें एक चेंज इन इन्वेंट्रीज करके दिया है, देखो फोर्थ पॉइंट में आपको कहीं दिया होगा चेंज इन इन्वेंट्रीज, नहीं कॉस्ट ऑफ, तीसरा दिया होगा उसमें, एक फर्स्ट दिया है आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसमें एक्सपेंसेस वाला देखना